हेलो, आज हम बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ बेरेट्रिक सर्जरी। क्या बेरेट्रिक सर्जरी सेफ है या नहीं और इसमें किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं। देखिए, बेरेट्रिक सर्जरी पहले तो हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनके अंदर मोटापा और मोटापे के साथ काफ़ी बीमारियां साथ आ जाती हैं। तो ये जो बीमारियाँ हैं ये अपने आप में बहुत रिस्क लेके आती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सांस की तकलीफ जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जॉइंट पेन्स, डिस्क में प्रॉब्लम और औरतों में इनफर्टिलिटी। तो ये बीमारियाँ अपने आप में बहुत रिस्क लेके आती हैं। अगर हम इनका सफल इलाज करें बेरेट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी के द्वारा तो ये सब बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। अभी हम देखते हैं कि ये सर्जरी है और हमें कॉमनली लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये मैं सर्जरी करवाऊँगा तो मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखिए, पहले तो आपको एक सेफ डॉक्टर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और जो ये सर्जरी रूटीन में करते हैं। नंबर टू, अगर ये सर्जरी एक अच्छा डॉक्टर और उनकी अच्छी टीम फॉलो कर रही है तो इन सर्जरीज में जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो जैसे नॉर्मल सर्जरीज हैं, जैसे आपने सुना होएगा पित्ते के ऑपरेशन जिसको हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी बोलते हैं, औरतों में फाइब्रॉइड्स के ऑपरेशन और हर्निया के ऑपरेशन, तो सेफ हैंड्स के अंदर ये सर्जरीज में जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो इन सर्जरी से भी कम हैं। सो कहने का मतलब ये है, अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है और आप एक सेफ सर्जन को चूज करते हैं जो ये सर्जरी रूटीन में करते हैं, तो इस सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो रूटीन में होने वाली सर्जरी से भी कम हैं। तो आप वेट मत करिए, आज ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड अपने आप को इस मोटापे से और साथ में बीमारियों से मुक्त करवाइए। थैंक यू।